पुस्तक लोकार्पण राज्यस्तरीय कविता पाठोत्सव जाजपुर जिला जारका सिविक सेंटर परिसर में अनुष्ठित हो जाए। डॉक्टर गौतम जेना सभापतित्व अनुष्ठित सभा में गाल्पिक जगदत्त आर्य जोगदी प्रदीप प्रज्वलन कर आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करते। यह उत्सव में मुख्य वक्ता भाव में डॉक्टर वेणुधर पाढ़ी पुस्तक प्रकाशक प्रकाश महापात्र लेखिका विद्युतता दास जोगदी अभिभाषण प्रदान करते। यह अवसर में महेश्वर पाढ़ी संपादन विद्युतत्त दास रचित पुस्तक जले जेसने वृक्ष छाई को अतिथि मैंने लोकार्पण करते। यह उत्सव आवाहक महेश्वर पाढ़ी स्वागत भाषण प्रदान करे सांबादिक अखिल कुमार स्वाई धन्यवाद अर्पण करते। अपराह कविता पाठ उत्सव अनुष्ठित होता एतिथि भाव में प्रभाकर शतपथी जोगद उक्त कविता पाठ उत्सव में जिलार बहु कवि जोगद कविता पाठ करते। बलिष्ठ काव्यशिल्पी होती कवि विद्युलता दास जहाँ सृजन संभार को तनतन कर पढ़ी सारापर मु लक्ष्य कली से तापर गोटे रचनात्मक कार्य समालोचन कार्य होगा दरकार। मुझे बहु प्रवीण समालोचक मान सहित ये संपर्क जोजोग कली विशेषकर प्रफेसर वैष्णव सामल नटवर शतपथी एम मत उत्साहित कले से तार फलश्रुति स्वरूप ये हूँ जलदेशन वृक्ष छाई पुस्तक से पुस्तक आज लोकार्पण पर्व तेणु ए समस्त योगदान कर विशेषकर मुझे समस्त की धन्यवाद अर्पण करुच्छी। ଏଇଟା ବିଦ୍ୟୁତରତ୍ନ ଦାସ କବି ବିଦ୍ୟୁତରତ୍ନ ଦାସ ସେ କେବଳ କବି ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦିକା ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ସଂକଳନ ତାଙ୍କ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଆକଳନର ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ। ସେ ଉତ୍ସବରେ ଆମେମାନେ ଅତିଥି ହୋଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତାହା ବହୁତ କମ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।